उधर पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी सह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रामकृपाल यादव ने पालीगंज विधानसभा के दुल्हिन बाजार प्रखंड व पालीगंज के दर्जनों गांवों में जनसंपर्क और रोड शो किया। इस दौरान सैकड़ों लोग रोड शो में पीएम मोदी और रामकृपाल यादव के जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। दुल्हिन बाजार में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि यह चुनाव देश का है, राजा और रंग के बीच की लड़ाई है। अति पिछड़ा के बेटे को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में भाजपा से उम्मीदवार नहीं बनाने से नाराज वाल्मीकि नगर विकास मंच के संस्थापक सह बगहा विधायक राघव शरण पांडे अपने निवास लौड़िया थाना क्षेत्र के रमौली गांव में एक प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश स्तर के नेताओं पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि देश को मोदी की सख्त जरूरत है, पर टिकट बांटने वाले बिहार प्रदेश के आला अधिकारियों को, ब्राह्मण राजपूत और भूमिहार समाज को अनदेखी करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर आगे भी ऐसा ही वादा खिलाफी होगा तो पार्टी नुकसान संभव है। अभी दो लोग जो बिहार चला रहे हैं, बिहार भाजपा को चला रहे हैं, क्या उपेक्षा हुई है? अवश्य उपेक्षा हुई है। इसके लिए जो जिम्मेवार लोग हैं उनको पहचानने की आवश्यकता है। पार्टी ने उपेक्षा किस मामले में हुई? एक तो मुझे जो कहा गया वो नहीं दिया गया। मैं किसी पद का लोलुप नहीं, लेकिन वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए। किसी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति से जो बातचीत हो जाती है वो कायम रहनी चाहिए। मुजफ्फरपुर में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने एक बार फिर ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर हंगामा मच सकता है। गिरिराज सिंह ने मतदान के दौरान बुर्के पर रोक लगाने की मांग की है। मुजफ्फरपुर में मीडिया से बात करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि बुर्के की आड़ में बोगस वोटिंग होती है। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान बुर्के पहनने पर रोक लगानी चाहिए। मैं व्यक्तिगत तौर पे अभी बेगूसराय से चुनाव लड़के आया हूं। मैंने देखा कि बुर्के के नाम पर बोगस वोट लोग करते हैं। बुर्के के तहत आतंकवाद के धमाके भी हुए हैं, इसलिए चुनाव आयोग को कम से कम चुनाव में बुर्का पर बैन लगाना चाहिए। उधर मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि देश के विकास के लिए केंद्र में नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली मजबूत सरकार की जरूरत है। मोदी के नेतृत्व में 5 साल में देश का विकास हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान सम्मान बढ़ा है। उन्होंने लोगों से देश हित में पुनः नरेंद्र मोदी सरकार को बनाने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर चुनाव वो लड़ रहे हैं, मोदी के नेतृत्व में देश में 5 साल में जो विकास हुआ पिछले कई सालों में नहीं हुआ। सरकार है और अभी तो मदरसा के शिक्षकों को सहायता उतना देने का निर्णय करके लागू कर दिया। मार्च से महीने से जितना सरकारी स्कूल के शिक्षकों को मिलता है, काम तो हम लोग करते हैं। पता नहीं क्या करते हैं, लोगों को भड़काते हैं। और ये तो आप सब लोगों को सोचना है काम कि काम का मतलब है या काम का मतलब नहीं। काम के बारे में सोचिए, देखिए क्या परिस्थिति आई है, किस चीज की हम चर्चा करें। अभी तो और कई मीटिंगों में जाना है, हम कहना शुरू करेंगे तो घंटों जो काम हुआ है और आप ही को जो लाभ हुआ है, हर आदमी जो महसूस किया है। अब इसी इलाके में आप बताइए, 1 किलोमीटर उत्तर बागमती नदी के एक धार पर कन्या इनार पुल 2009 में बना दिए। आजादी के समय से इस पुल की मांग होती है और 15 साल तो जरूर मांग करते रहे हुए लोग। पति पत्नी राज में तो नहीं हुआ था जी, जब किए तो हम ही लोग न किए। और उसके बाद इधर से दक्षिण बूढ़ी गंडक नदी पर स्थानीय लोगों की मांग पर आखर घाट पुल का निर्माण कराया जा रहा है। 70 करोड़ रुपए की राशि इस पर लग रही है और हमको यहाँ के लोग कहते रहते हैं गाय घाट के दुभौरी घाट पर भी पुल का निर्माण कराइएगा। अरे भाई चिंता मत करिए, हम तो बिहार में जितने पुल की जरूरत है सबका निर्माण करा देंगे। मत चिंता में रहिए, जहां जरूरी है, क्योंकि हम हमारा निर्णय है कि भाई बिहार के दूर दराज इलाकों से भी चलकर राजधानी पटना पहुंचने में 5 घंटे से ज्यादा समय न लगे, तो इसके लिए तो हम काम कर रहे थे। तुम कभी मत सोचिए, चिंता मत करिएगा, सब तो सब काम करते रहेंगे हम लोग।
लेकिन भाई सोचना तो आप कि काम करने का महत्व है या खाली नारा कुछ लोग लगाते हैं, समाज में कट्टा पैदा करते हैं, आप देख लीजिए। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।